अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज हम आपके लिए लाए हैं न्यू टॉपिक क्लास 9th के लिए। और आज का टॉपिक हमारा है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। हम आज डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को इंशाल्लाह। और अगर किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि उसको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक हमारा है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। हम आज डिस्कस करेंगे कि किस तरह से दो मैट्रिसेस को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, तो हम इसका स्टार्ट लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमने यहाँ पर डिस्कस करना होगा कि वो कन्फर्मेबिलिटी या वो कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर एडिशन और एडिशन या सब्ट्रैक्शन। ठीक है, मैं इसको शॉर्टकट लिख रही हूँ कि वो कंडीशन क्या है कि जिसके मुताबिक हम दो मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कंडीशन को चेक करना ज़रूरी है हमारे पास कि हमारे पास दो मैट्रिसेस कब अलाउेबल होंगी, कब सूटेबल होंगी, कब हम उनको ईजीली सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स से A एंड B आर टू मैट्रिसेस, देन दे आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों की सेम कंडीशन है। दे आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इफ बोथ मैट्रिसेस हैव द सेम ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर क्या है उनका, सेम होना चाहिए ए और बी का, उन दो मैट्रिसेस का, तब हम बोलेंगे कि वो कन्फर्मेबल है फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन या और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, जो भी हम कर रहे होंगे उस वक्त आपने उनका ऑर्डर चेक करना है। इसको मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाती हूँ कि किस तरह से आपने एग्जांपल को सॉल्व करना है और उसमें ऑर्डर चेक करना है, तब जाके आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। मेरे पास दो मैट्रिसेस हैं, ठीक है, इन दो मैट्रिसेस को अब हमने करना है ऐड। ठीक है, तो ऐड किस तरह करेंगे, सबसे पहले हमने सॉल्यूशन में चेक करना है ऑर्डर ऑफ ए। ठीक है, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हो गई, हम चेक करेंगे ऑर्डर ए का क्या है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें दो रोज हैं, टू एंड टू कॉलम्स हैं। ठीक है, तो टू रोज टू कॉलम्स हो गए, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। इसके अलावा ऑर्डर हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड ऑर्डर। ये नहीं कि मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ यहाँ तक लिखना है, ये रोज होंगी, ये कॉलम्स होंगी। फिर ऑर्डर ऑफ बी, ऑर्डर ऑफ बी क्या है, इसी तरह ये भी टू रोज हैं और कॉलम्स भी आप देखें तो टू कॉलम्स हैं। टू रोज टू कॉलम्स ए के भी हैं, टू रोज टू कॉलम्स बी के भी हैं, दोनों का ऑर्डर आ गया सेम, सो दे आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, हम इनको ऐड कर सकते हैं। सो ए प्लस बी इज इक्वल्स टू, ठीक है, ए और बी को अब हम करेंगे प्लस, थ्री एट फोर सिक्स ऐड कर लेंगे किसके साथ, फोर ज़ीरो वन माइनस नाइन। अब हम इनको ऐड करेंगे, तो इनको ऐड हमने किस तरह करना है, तो ऐड आप इस तरह करेंगे कि ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो हैं, यानी इस मैट्रिक्स ए का पहला एलिमेंट मैट्रिक्स बी के पहले एलिमेंट के साथ, और अगर दूसरा एलिमेंट ले रहे हैं पहली रो का तो पहली रो के दूसरे एलिमेंट के साथ ऐड होगा, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे जो एलिमेंट उठा रहे हैं यहाँ का भी वही एलिमेंट उठाएंगे, तो इस तरह से लिखेंगे हम थ्री प्लस फोर। अब देखें दोनों दोनों मैट्रिसेस की पहली रो का पहला एलिमेंट हमने उठाया, उनको आपस में ऐड किया, फिर नेक्स्ट है एट प्लस ज़ीरो, फिर फोर प्लस वन, सिक्स प्लस यहाँ पे है माइनस नाइन, तो ब्रैकेट में लिख दें,
इस तरह से। तो ये आ जाएगा 3 + 4 7, 4 + 1 5, 8 + 0 8, अब 6 ± −9 ये रह गया, इसको हम नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर लेते हैं, कोई भी मसला नहीं है। 7 5, ठीक है, यहाँ से 8 और 9 में से 6 गया क्योंकि साइन चेंज है, तो आ जाएगा 3, लेकिन बड़े के साथ माइनस है, तो ये आ गया हमारे पास a प्लस बी। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, सिर्फ आपने ये कंडीशंस चेक करनी है, दोनों के ऑर्डर्स चेक करने हैं और बस इनको सिंपली ऐड करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसी इन्हीं दो सेट्स को ले लेते हैं और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है। ए माइनस बी इज इक्वल टू, ए हमारे पास है 3 8 4 6, ठीक है, माइनस 4 0 1 −9, ये हो गया। तो ए माइनस माइनस बी हमें क्या मिलेगा। अब इसी तरह इसके भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपने सब्ट्रैक्ट करना है, 3 −4, 8 − 0, 4 − 1, 6 − −9, सेम उसी तरह, लेकिन यहाँ पे क्या है, वहाँ पे था प्लस तो हमने यहाँ पे बीच में लगाया था प्लस, यहाँ पे माइनस करना था तो हमने बीच में लगाया माइनस साइन, ठीक है। ये आप डिफरेंस साथ साथ देखते जाएं कि किस तरह से दो सेट्स को हमने ऐड किया था और अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ए माइनस बी इज इक्वल्स टू, अब देखें 3 में से 4 − नहीं होगा, 4 में से 3 − होगा क्योंकि साइन चेंज है, और आ जाएगा 1 − साइन के साथ क्योंकि बड़े के साथ माइनस साइन है। 8 − 0 8, 4 − 1 3, 6 − −+ और 9, ठीक है। ए माइनस बी इज इक्वल्स टू −1 3 8 और 15, क्योंकि 6 + 9 हो जाता है 15। तो ये थी एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स, बहुत ही आसान है, सिर्फ कंडीशन को आपने माइंड में रखना है कि कंडीशन क्या है, उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे। तो व्यूवर्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।